हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पातालकोट यानी कि पाताल लोक के बारे में। पुराणों में पातालकोट के बारे में आपने पढ़ा होगा, मगर आप यदि इस स्थान को देखना चाहती हैं, इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, कई धार्मिक पुराणों में स्वर्ग लोक और पाताल लोक का वर्णन मिलता है। ऐसा माना गया है कि स्वर्ग लोक में देवताओं का वास होता है और पाताल लोक में राक्षसों का निवास होता है। इनके बीच में पृथ्वी है जहाँ मनुष्य रहते हैं। इन दोनों ही लोगों से जुड़ी बहुत सारी चर्चित कहानियां हैं, मगर किसी ने भी न तो स्वर्गलोक के दर्शन किए हैं और न ही पाताललोक देखा है, लेकिन इसकी कल्पना जरूर सभी ने की है। मित्रों, स्वर्गलोक कैसा दिखता है ये बता पाना तो मुश्किल है, मगर पाताललोक कैसा होता है हम इस वीडियो में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। दरअसल भारत में ही एक ऐसी जगह है जिसे पाताललोक कहा गया है। जगह का नाम भी पाताललोक से मिलता जुलता है। स्थान को पातालकोट कहा जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये स्थान मिल जाएगा। दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की गोद में बसा ये स्थान प्रकृति का अजूबा है। जमीन से 1700 फुट की गहराई में बसे इस क्षेत्र को पातालकोट यूं ही नहीं कहा जाता है, इससे जुड़े कई रहस्य, पौराणिक कथाएं और तथ्य हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको पातालकोट से जुड़ी कुछ ऐसे रहस्यमय और रोचक बातें बताएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। जो शहर की चकाचौंध से दूर पातालकोट में न तो आपको गगनचुंबी इमारत नजर आएंगी और न ही यहाँ पप्पू शहरों जैसी हाईफाई लाइफस्टाइल दिखेगी। चारों ओर से पहाड़ों और जंगलों से घिरे पातालकोट में 12 गांव हैं। यहाँ की आबादी भी ज्यादा नहीं है। यहाँ रहने वालों की कुल संख्या तो नहीं पता, मगर लगभग 1500 से 2000 के बीच लोग इस स्थान पर रहते हैं। इस विहंगम घाटी में रहने वाले लोग गोंड और भारिया जनजाति के आदिवासी हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पातालकोट के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां कभी धूप नहीं आती है। हमेशा बदली सी रहने के कारण कुछ गांव हमेशा अंधेरे में ही डूबे रहते हैं। वहीं जिन गांव में धूप आती भी है तो दोपहर के समय वहां केवल 2 घंटे के लिए ही उजाला होता है। दोस्तों, जब बात पातालकोट की आती है तो इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी भी याद आती है। ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में जब राम रावण युद्ध हो रहा था, तब अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए रावण का पुत्र मेघनाथ इसी स्थान पर आया था। इस बात का पता जब हनुमान जी को चला तो वे अपनी वानर सेना के साथ वहां पहुंच गए थे और मेघनाथ की पूजा को भंग कर दिया था। मित्रों, इसलिए यहां रहने वाले आदिवासी लोग भगवान शिव और मेघनाथ की पूजा भी करते हैं और इन दोनों को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि रावण ने युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें इसी स्थान पर मौजूद एक गुफा के अंदर रखा था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि पातालकोट में रहने वाले लोग पहले बिना वस्त्रों के रहा करते थे और जंगली जानवरों को मारकर भोजन करते थे, मगर अब इनकी जीवन शैली में धीरे धीरे विकास हो रहा है। शहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद से ये लोग खेती करने लगे हैं और कपड़े गहने भी पहनने लगे हैं। पातालकोट के किसी भी गांव में बिजली नहीं है, हालांकि इस क्षेत्र में बिजली लाने का काम चल रहा है, मगर यह आसान नहीं है क्योंकि जमीनी तल से ये क्षेत्र काफी नीचे है और यहाँ जाने का रास्ता भी दुर्गम है। दोस्तों, पातालकोट में रहने वाले लोग अभी भी मिट्टी और घास फूस के घर बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। इस क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। यहाँ के लोग आम के पेड़ भी खूब उगाते हैं। वहाँ की सब्जी और आम की गुठली की रोटी यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है। पातालकोट में सबसे ज्यादा सम्मान वैद्य का होता है, जिसे भूमका कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं और अगर पड़ भी जाते हैं तो वैद्य द्वारा उनका इलाज कर दिया जाता है। दोस्तों, पातालकोट तक पहुँचने के लिए आप सड़क, रेल मार्ग तथा हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। आपको नागपुर तक फ्लाइट लेनी होगी, फिर आप सड़क मार्ग से यहां तक पहुंच सकते हैं। वहीं रेल मार्ग से यहां आने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, अगर आप पातालकोट आना चाहते हैं तो सर्दियों या मानसून के मौसम में ही आएं। दरअसल गर्मियों के मौसम में ये स्थान बहुत गर्म हो जाता है, हालांकि यहां हमेशा ही हल्की बारिश होती रहती है, जिससे उमस का मौसम बना रहता है। वहीं बारिश के मौसम में ये घाटी बादलों से ढक जाती है। इस नज़ारे को देखना बेहद मनमोहक होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।